अपना पानी खुद भरा करो, आदेश मत दिया करो सबको। निकलते हैं गाइस, चलो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। 3 घंटे का ब्रेक है। गिर गया था सर, लग रहा टूट गया। आवाज आ रही है। मिलते हैं बाद में। खाने का सामान रख देना। कहाँ? किसमें? उस डब्बे में से सारा तुम लोग खा गए और रात भर बैठ के बाप बेटे। होली खत्म, अब कुछ नहीं उसमें रखूंगी मैं। बाइक से जाओगे क्या? हाँ, निकाल लोगे? बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में भी अच्छा कर रहे होंगे। पिशी चला गया अपना एग्जाम देने के लिए और मिठी भी जा रही है अब अपना रेडी होने के लिए। रेडी होके ये भी चली जाएगी एग्जाम देने के लिए। बस 2-3 पेपर इन लोगों के और हैं मेरे बस। और आज लास्ट है मेरा। आज तुम्हारा लास्ट है। कुछ टेस्टी मिलाना, जैसे कि फिर से दही बड़े बनाना है। हर वक्त खाने के बाद गाइस, अभी होली बीती, इतनी सारी डिशेस मैंने बनाई थी, फिर भी खत्म होने की कोशिश। देख लीजिए, ये होता है हमारे घर। तो बस आज के व्लॉग में बने रहिएगा। व्लॉग आज भी इंटरेस्टिंग होगा, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी गाइज, ये सारे कलर्स पॉलीथीन में अलग अलग से रख दिया मैंने, सबको अलग अलग जहाँ जहाँ से रखा था, कटोरे में से निकाल दिया और इसे रख दूंगी क्योंकि अब तो नेक्स्ट ईयर ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अरे नाश्ता ले ली क्या? अभी बाल नहीं झाड़ी हो? नहीं दादी कह रही है जूड़ा बना के जाऊंगी। क्या दादी बोली है? स्कूल में जूड़ा बना के कैसे जाऊंगी? हाँ यार, बहुत गर्मी होने लगी। सो गाइस, कृषि आ चुका है अपना एग्जाम देके। कल भी पेपर है ना तुम्हारा? क्या कर रहे हो? अभी जाएंगे हाँ खेलने, पढ़ने। अभी ना आया? हाँ अभी आए हो, थोड़ा रिलैक्स करके तो वही तो और पढ़ हो गया, फिर भी तुमको आए कुछ देर। अभी नहीं, और तो इसकी भी नहीं आया। ठीक है, मीठी आ गई कि तो फिर पढ़ने बैठोगे ना? हाँ वादा करो, वादा करो। दीदी क्या आती है, पढ़ने बैठ जाओगे जल्दी जल्दी? वादा करो करो यार, ऐसा वादा करो। पढ़ाई करेंगे? अच्छा वादा कर लो, पढ़ोगे ना अभी? पढ़ेंगे। नहीं तो वादा करो। पढ़ेंगे, वादा करो। कृषि भी आ गई और आती किचन में घुस गई। क्या खाना है पता है कृषि? क्या खाया है वो तल करके चिप्स वगैरह दिए थे उसको, वही मर कर मम्मा कुछ अच्छा सा खाना। मम्मी नहीं खाएगी पता कभी, वही तल दे थोड़ा सा खाओगी? तलो तला हुआ ही बस अच्छा लगता। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा चिप्स वगैरह मैंने सोचा मीठी के लिए तल दूं, क्योंकि कृषि को भी वही पसंद था, वही खाया उसने भी, और मीठी को भी वही। और इधर थोड़ी सी खिचड़ी बिठा दी है, कृषि को खिचड़ी बहुत पसंद है तो उसके लिए खिचड़ी बन रही है अभी लंच में, और मीठी के लिए ये मैं तब तक तल देती हूँ। गाइज, हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज किचन में है मीठी। मैं तो सब्जी बना रही हूँ और मैं नाश्ता। मीठी तुमको किसी ने देखा नहीं, तुमने जब हाय किया तो मैं नाश्ता। आज अब इनका एग्जाम हो गया है खत्म और इनका वही फेवरेट नाश्ता उपमा, तो उपमा के लिए मीठी ने सूजी भून के रख दी है और इधर मूंगफली भी भून के रख दी है और किचन को खूब अच्छे से फैला दिया इन्होंने जितना हो सकता है। तो बस इनका चल रहा है, अभी बना रही हैं अपना। फ्रेंड्स, मैं आ गई अपने गार्डन में मिर्चे तोड़ने के लिए। वो ये देखिए कितने अच्छे अच्छे हुए मिर्चे, बहुत सारे, मैंने सोचा इन्हें तोड़ लूँ। गाइज, अब आपको मैं सुना रही हूँ मेरे हस्बैंड का गाना, जो मैंने बोला था कि थोड़ा शोर है, मगर आप गाना पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। तो
कुछ भी गाएंगे। जब पांडे जी नहाते हैं तो दुनिया भर के गाने गाते हैं जिसका कोई सिर पैर भी नहीं होता। ये देखो ये कौन है आप पहचान सकते हो? ये आप ही की यूट्यूबर यूट्यूबर मोना है। बताइए यूट्यूबर मोना आप ऐसे क्यों हैं? क्योंकि इनका रील बनाना है और ये मुझे छत पे लेकर के आई हूँ। ये देखिए धूप, तेज धूप है, मैं अपने आप को जला नहीं सकती उसमें। गाइस ये देखो गाइस मैं तैयार होके आ गई गाइस रील बनाने। गाइस ये देखो आधा रील बना के हम लोग आ गए हैं और फोन को ठंडा कर रहे हैं एसी के सामने रख के, क्योंकि बताइए मोना जी क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं? क्योंकि वो गर्म हो गया था, ऐसा लग रहा था फट जाएगा। मोना जी बहुत गुस्से में है क्योंकि मैंने इन्हें धूप में ले जाके अपना रील बनवाया। ठंडा हो गया मुझे फोन, चलो फट से अब नहीं जाऊंगी मैं। आ चलो। अरे यार ये कपड़े फोल्ड करने हैं सारे, देख रही हो इतना फोल्ड हुआ इतना नहीं हुआ ऐसे फेंका हुआ है। देखिए गाइस ये कोई भूत है, रिशु है वो भूत है गाइस। गाइस इसके ऊपर बैठ जाती मैं। नहीं नहीं पहना नहीं है, हटाना मत कंबल। स्कूल से आया। अब हो गई है दोपहर और मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना मी टाइम और मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी और अपना फेवरेट शो देखूंगी लॉकअप, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आता है। जैसे कि मुझे बिग बॉस पसंद था वैसे ही मुझे लॉकअप पसंद है, तो मैं वही देख रही हूँ और देखते देखते गहरी नींद में सो जाऊंगी और मिलती हूँ आपसे शाम को। मीठी जा रही है कोचिंग, तो जब सारे लोग फ्री रहेंगे कोई टीवी देख रहा है, जैसे कि मीठी की दादी भी टीवी देख रही हैं अपने रूम में, और कृषि आ गया है स्कूल से, उसका आज एग्ज़ाम मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मीठी का तो कल ख़त्म हो गया था, कृषि का अभी बाकी है एक दो पेपर और, तो कृषि भी स्कूल से आया है वो सो रहा है, तो बस यही है सीन। जा रही रेडी हो गई चलो कोचिंग बाय। चलो साइकिल से ही जाओगी ना? नहीं रिक्शा। क्यों? मेरी साइकिल बहुत गंदी बिजती हो रही थी पता है, तो रंग लगा हुआ है। अच्छा चलो ठीक है साफ, कल सुने याद दिला देना धुलना है, आज नहीं याद आया रील बनाने वाला। ठीक है चलो। क्या देख रही हो तुम? कुछ नहीं लॉकअप देख रही हूँ जो देखती हूँ। सो गाइस अभी हो गई है शाम और हम लोग बैठ गए हैं चाय पीने के लिए। ओए मीठा चाय क्यों पी रही हो? मीठी मेरी चाय छोड़ो रखो, अब मैं जूस ही बना लो। थप्पड़ खाऊंगी। ये क्या कर रही हो? मन कर रहा, बहुत मन कर रहा। हाँ ठीक है ना, बना मीठी मेरी चाय है। हट जाओ यहाँ से, उठो यहाँ से, शर्म नहीं लग रही है? माँ बोली है हटो यहाँ से, तो हटो मेरी जगह से, मैं चाय तो पीने दो मुझे। चला जाए सब्जी लेने, चाय चलो सब्जी लेने में कि मैं अकेले जाऊँ, मुझे बर्गर खाने का मन कर रहा है। बर्गर खाओगी? बर्गर खाओगी? गाइस मुझे बर्गर मैगी खाने का मन कर रहा है। दिन रात तुम कभी बर्गर कभी मैगी, इसके सिवाय टर्की को कुछ नहीं मन करता। मोटी हो गई बहुत ज्यादा, मुझे स्लिम होना है। डबल मसाला मैगी नहीं, इसीलिए मैं रात को खाना नहीं खाऊंगी, इससे मैं बर्गर खा लेती हूँ। गाइस बर्गर खा के मिलते हैं। सो गाइस हम लोग की चाय वाय तो हो गई और अब जा रही हूँ सब्जी लेने, तो आप लोग को शायद मालूम ही होगा यही हमारे कॉर्नर पे एक सब्जी वाला लगाता है, वहीं से जाके हम लोग सब्जी ले लेंगे, क्योंकि पांडे जी आए ही नहीं हैं तो वो अभी सब्जी और उनको और लेट होगा आने में घर आने में, तो हम लोग जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए मैं और मिट्टी। मम्मी क्या कर रही हो? चलो जल्दी गेट बंद करते हैं। नहीं अब लेट हो जाएगा, वो चला जाएगा सब्जी वाला ना। सो गाइस चलते हैं अब आपके साथ सब्जी लेने। गाइस हम लोग भूत की तरह दिख रहे हैं। फ्लैश लाइट जलाइए मिठी। ये देखो गाइस।
गाइस एक मेरे साथ पोपट हो गया। मैं सोची थी चिप्स कुरकुरे कुछ खरीद लूंगी बट दुकान बंद है। अली बाबा की दुकान बंद है। देखते हैं सब्जी की है कि नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा सब्जी वाला लगाया। अरे यार आगे लगाता है। ओ भाई पोपट शॉप ही नहीं है। सब्जी भी नहीं है। चले रोड पे। क्या क्या जो रोड पे चल रहा है सब्जी वाला सब्जी ही नहीं लगाया। धोखा हो गया। बोल रहे थे जल्दी चलो। कहीं नहीं सीधे रोड पे मिलेगा। ये मत सोचना कौन वाले कॉर्नर पे। जाओ जा रही हो ना हम लोग से ज्यादा जानती हो। नहीं नहीं मिलेगा कोने वोने पे नहीं। सीधे रोड पे चलना है तो चलो। किस रोड पे? मेन रोड पे। अरे तो वो रोड ही ना है वही ना जो डॉक्टर विशाल। हाँ तो ठीक है चलो। ये भी पता है तुम पहले आई थी कि मैं पहले आई। मैं आई थी। तुम्हें ज्यादा नहीं। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। डीजे लाइट आज भी जल रहा है। गाइस यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। ये जो ऐसे लाइट होती है ना इससे जैसे लगता है। क्या लगता है मम्मी बताओ? वो मतलब अजीब सा लगता है। मम्मी भागो 3-2-1 को भागो। ये लाइट बताओ भागो। क्या क्या चीज सच हो जाता है। सो गाइस यहाँ देखिए जॉगी छोया है सोला है। इतना अच्छा लग रहा है इस समय वॉक करने। हम लोग को डेली आना चाहिए। डेली आने से तो अच्छा लगता है। काश ही मेरी कॉलोनी होती गाइस कितना अच्छा लगता। लेकिन ये मेरी कॉलोनी है नहीं। हमारे भी सड़क तो गड़बड़ है। इस टाइप का सड़क गाइस हम लोग रोड पे पहुंच चुके हैं और सामने है सब्जी वाला। प्लीज मत लो। वो कटहल कैसे है? अदरक बोली थी ना लालू। अदरक बोली थी? पता नहीं। मैं जा रही हूँ कुछ पैकेट का सामान लेने। गाइस मैंने ले लिया जो मुझे लेना है और आप मम्मी कुछ फ्रूट्स ले रही हैं। मैंने ये खा लिया और मैं जा रही हूँ रैपर को फेंकने डस्टबिन में। हाँ क्योंकि इन्होंने रास्ते में फेंक दिया था। जब मैं डांटी हूँ तो उठाई है। ये झूठ बात है। ये सही बात है। नीचे देखो मिस्टी कितना सारा कचरा। लो डस्टबिन वहाँ है। कचरा यहाँ तक फेंका गया है। कोई बात नहीं वहाँ। लेकिन तुम जहाँ फेंक रही थी वहाँ किसी के घर के आगे कचरा नहीं। मम्मी मैं तो कहीं नहीं फेंक रही थी। मैं तो फेंक ही रही थी डस्टबिन में। झूठ क्यों बोल रही हूँ मम्मी। तो गाइस मैंने सब्जी पूरी ले ली है और मिर्ची धो नहीं रही है। थैला ही ले ली रही है हाथ में। क्या ले आई हो भाई? सब्जी सब्जी लाए हैं आपके लिए। करेला बीन्स टमाटर बोली थी। धनिया पत्ती अदरक कहीं थी नहीं लेकिन मैं अदरक ली आई। और खीरा है ये। और एक पत्ता गोभी ले लिए हैं। हर सब्जी पे नाक बहुत सी पोड़ रही थी। अंजलि गई थी मेरे साथ सब्जी कटवाने। ठीक है। और उसके वहाँ कटहल भी था केला था लेने नहीं दी है ये। फूल गोभी था सेम दो प्रकार का था। एक चौड़ा वाला भी सेम खाई थी। कोई बात नहीं फिर टहलते चले। इसी बहाने टहलना हो रहा उतना दूर बहुत अच्छा लग रहा था। चलोगी तुम भी कल से टहलने? इतना जोर चल लोगी? जोर के साथ जाएगा वो थक जाएगा। और वो उससे 4 गुना ज्यादा थक जाएगी। फ्रेंड्स मैं यहाँ तल रही हूँ दही बड़े। इधर बन रही है सब्जी यानी डिनर।
और इधर हो रहा है पानी गर्म जिसमें मैं दही बड़े वड़े डालूंगी। और क्यों बन रहे हैं दही बड़े? क्योंकि दही बड़े मैंने कम बनाए थे, आपको तो बोले ही था। अभी किसी का मन नहीं भरा है, सबको खाना है, तो इसीलिए ये थोड़े सा और मेरे पास उड़द की दाल थी, मैंने भिगो दी, मैं कल बना देती हूँ। तो मेरे पास छिलके वाली थी दाल, तो मैंने क्या किया, उसे भिगोया, रगड़ रगड़ के साफ किया, उसका उसके छिलके निकाले, बड़ी मेहनत करी तब जाके दही बड़े बन गए। तो उसको निकाल लेती हूँ और उसके बाद फिर रोटी देती हूँ, उनको खाना खिलाऊँ, दही बड़े बना के रख दूंगी, कल सब लोग इंजॉय करेंगे दही बड़े। ये मेरी सब्जी हो गई है रेडी, न्यूट्रिला और आलू की, और ये दही वड़े भी हो गए हैं रेडी, और इधर बना रही हूँ मैं चावल, उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी और सबको डिनर करा दूंगी। और हाँ, ये चटनी भी रेडी है। सो गाइस, डिनर हो गया हम लोगों का, और डिनर किए हुए भी हो गया आधा घंटा, और मुझे आ रही है थोड़ी सी नींद, लेकिन अभी तो वीडियो का काम बाकी है, मैं वो करूँगी और उसके बाद सो जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, खुश रहिए, पॉजिटिविटी बढ़ते रहिए, एंड बाय बाय।